और ये इतना घी रेडी हो गया है। आलू गोभी मटर की फ्राई, मसालेदार सब्जी, दाल फ्राई, गाजर का हलवा और राइस। आज की डिनर थाली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे पूरे कुक स्पॉट फैमिली सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन हर रोज बस यही मेरी अभिलाषा होती है। आज क्या करने वाली हूँ मैं रसोई। बड़ा ही शांत माहौल है घर का, एकदम सन्नाटा है। सुबह 7 बजे निकल गए थे गुप्ता जी ड्यूटी के लिए, शुभम स्कूल, वही रोज वाले हाल। इसके बाद मैं शुभम को दोपहर में लेने गई, हम दोनों ही थे लंच टाइम पे। तो अब डिनर में तीनों होंगे, लेकिन गुप्ता जी 8 बजे के बाद ही आएंगे। ट्रेन से जाते हैं कहीं बाहर, जैसे जहां उनकी ड्यूटी लगती है स्टेशन में, और फिर ट्रेन से ही आना होगा। उनका फोन भी आया कि 8 बजे के बाद आएंगे। अब खाना तो बनाना है, क्या बनाया जाए। इन दिनों सब्जियों में है फूल गोभी, और सेम भी रखी है, बंद गोभी भी रखी है, और क्या है, 2-4 सब्जियां और हैं, क्योंकि इन दिनों सब्जियों की तो कोई कमी नहीं है। बहुत सब्जियां आती हैं, जब हरी पत्तियां आती हैं साथ तो वो पहले बन जाती है। आज मैं बनाने वाली हूँ फूल गोभी, आलू गोभी मटर की सब्जी। दाल हमने बनाई थी लंच में, अब फ्राई करूंगी मैं। और क्या करूँ, मलाई का बर्तन निकला हुआ रखा है और घी फेंटना है, मक्खन फेंटना है, घी बनाना है। और आज हमारी जो वॉशिंग मशीन है, हमने ली थी दिसंबर में, जनवरी में शायद ना, जनवरी में। और इतने दिनों में पहली बार उसकी डीप क्लीनिंग की गई है। एक्चुअली मैं खुद से करना चाह रही थी, फिर मैंने सोचा कि उनको बुलाएंगे, तो बॉश से ही, कंपनी से ही बुलवाया था। तो एक पाउडर है उसके साथ, उसमें डाल करके उसकी पूरी क्लीनिंग हुई है। तो वो डेमो मैं करके दिखाऊंगी आपको। उस टाइम पे नहीं किया, वो सब हो रहा था, अचानक से हो गया। फिर मैं जिस दिन डीप क्लीनिंग करूंगी तो आपको शेयर करूंगी कैसे करते हैं फ्रंट लोड में। और बस शुरू करते हैं अपना काम। मतलब की मलाई ये मैंने निकाल के फ्रिज से बाहर रख दी थी सुबह, क्योंकि मुझे ये था कि आज शाम को मैं इसको फेंटूंगी। तो ये फ्रिज से निकालने के बाद ये सॉफ्ट हो जाती है। फ्रिज में रखती हूँ मैं मलाई, तो डे वन से मलाई निकालना शुरू किया, तो 1 चम्मच दही डाल के रखती हूँ। उसके बाद फिर जब कंटिन्यू रहता है मलाई डालना, और जब घी बनाना है तो उस दिन मैं पहले से बाहर निकाल देती हूँ बर्तन को। तो अभी हम इसे फेंटेंगे। और भुसौल में ठंड है कि नहीं, पसीने निकल रहे हैं। मतलब जब से मैंने अभी शाम को चाय पी है और ये मूड बनाती हूँ ना कि चलो शूटिंग शुरू करनी है, तब से पसीना पोंछे जा रही हूँ लगातार। ठीक है, गर्मी की तो ये आलम है, पूरा चक चक पसीना हुआ जा रहा है। बिना फैन के कमरे में रह नहीं सकते हो, लेटना तो दूर की बात। लेकिन मौसम ऐसे जैसे हवा चल रही है, और तो और मजेदार बात, सुबह भी बारिश हो रही थी शुभम के स्कूल जाने के पहले, वही 7-8 बजे के करीब, 7:45 पे। और भैया दोपहर में मैं उसको जब 2 बजे लेने जाने वाली थी तो 1:30 बजे बारिश शुरू हो गई थी। मतलब बारिश सुबह भी हुई, दोपहर में भी हुई, पर गर्मी के आलम वैसे ही हैं। वो 2-5 मिनट के लिए बारिश हुई, आई और गई, और बारिश के बाद मौसम बस वैसा ही। लेकिन अभी जैसे घर में ही अंदर मनी प्लांट हिल रहे हैं, पर्दे हिल रहे हैं, हवा चल रही है बाहर, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि बाहर का मौसम सुंदर और प्यारा है। तो ये है मलाई, सॉफ्ट हो गई है ना फ्रिज से बाहर निकालने के बाद। बस इसे मैं चम्मच से ही मिक्स करती हूँ, मैं कभी ग्राइंडर जार या मिक्सर जार या ब्लेंडर उन सब चीजों का यूज नहीं करती हूँ, चम्मच से ही वो अच्छी से मथ जाती है। और ये देखो पूरे एकदम सॉफ्ट हो गया मक्खन जैसा। इसमें हम डालेंगे पानी, और पानी डाल करके उसको इस तरीके से मथ देंगे। तो ये देखो मक्खन अलग और ये ताक अलग हो जाएगा। ताक को हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। तो बार बार पानी डाल करके इस तरीके से ये प्रोसेस हम 2-3 बार करेंगे जब तक साफ पानी नहीं आ जाए। तो ये सारा बटर और सारा बटर मिल्क हमने साइड में निकाल के रख लिया है। अब यहाँ हमने बटर को गरम करने रखा है, और मैं 1 लीटर दूध लेती हूँ। अब शाम में दूध आता है, इसी तरीके से हम रात में बॉयल करते हैं, ठंडा होने पे फ्रिज में रख देते हैं, और अगले दिन सुबह मलाई निकालते हैं। तो 1 लीटर दूध की ही है, पहले लेती थी मैं 2 लीटर, अब मैं 1 लीटर लेती हूँ, और 1 लीटर के हिसाब से ही ये मलाई है। इस मलाई मक्खन को
पूरा मेल्ट नहीं, मतलब मेल्ट होने देंगे पर हम घी नहीं बनाएंगे, तो इस प्रोसेस से मैं बनाऊंगी। इसको पूरा गरम करके सिर्फ पतला होने देंगे और बस। अब इसे हमने गरम करने रखा है, तो ये जो बटर है ना वो पूरा मेल्ट हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद जब ये पूरा मक्खन पिघल गया है हम इसमें डालेंगे पानी पूरा, जितना ये आधा बर्तन है ना घी पूरा भर देंगे पानी से। तो हमने इसमें पूरा पानी भर दिया है, 3 जग पानी डाल दिया है। पानी डालने से क्या होगा, ये पूरा जो हमारा घी है ना वो पूरा ऊपर ऊपर हो जाएगा और जब ये बर्तन ठंडा हो जाएगा इसको हम फ्रिज में रखेंगे ओवरनाइट। रात भर फ्रिज में रखूंगी, अगले दिन सुबह निकाल करके मैं आपको दिखाऊंगी और फिर इसमें ऊपर ऊपर जो घी जम जाएगा उसे हम पका लेंगे ना, तो हमारी गैस ज्यादा देर तक वेस्ट नहीं होगी और जल्दी से घी बन जाएगा। तो मैं ज्यादातर इसी प्रोसेस से घी बनाती हूँ, बस इसे ठंडा होने देंगे। तो घी का ये प्रोसेस हो गया, इसमें आलस भी आता है करने में, पर इस तरीके से जब मुझे आधा प्रोसेस करना और आधा कल करना है तो फिर मैं आलस नहीं करती। मैं सोचती हूँ अभी कौन सा घी बनाना, अभी तो सिर्फ गर्म ही करना है, कल बनाएंगे घी सुबह तो ये ठंडा हो जाएगा। अब मैं खाने की तैयारी शुरू करती हूँ और इसको ठंडा होने के बाद ना फ्रिज में ही रखना है, फ्रीजर में नहीं, क्योंकि बहुत बार सवाल होते हैं फ्रिज में रखना है कि फ्रीजर में। फ्रिज में ही रखेंगे ऊपर वाली जाली में तो रात भर में ठंडा हो जाता है। आलू, गोभी, टमाटर और ये हरी मटर मैंने यहाँ कपड़े में लपेट के रखी है ना, तो मटर निकाल लेंगे और कंटेनर में ही ऐसे पूरे दाने निकाल के रखती हूँ मैं, फिर सब्जी बनाने में इजी हो जाता है। आलू, गोभी, मटर हमने धुल के साफ कर लिया है और कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तेल गरम होते ही जीरा डालेंगे, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और इसमें हम हींग भी डालेंगे, हल्दी पाउडर और ये कटी हुई सब्जी। इसमें हम नमक डाल देंगे, नमक डाल के मिक्स कर लेंगे। आलू, गोभी, मटर अभी कुछ देर के लिए पकने देंगे तो हम इसे ढक देंगे। बस आलू गोभी हमारे फ्राई हो गए हैं और ये चेक कर लेंगे कि पक गए। इसमें हम डालेंगे टमाटर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची और ये थोड़ा सा गरम मसाला। हल्दी हमने पहले ही डाल दी है और अब मसाले डाल के हम इसे पक देंगे और अब भाप में ना सारे टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। अब सबको मिक्स कर लेंगे, मसाले भी इस तरह से मसाले गलते नहीं हैं और जब हमने अभी ढका था ना तो मसाले पक जाते हैं और अब भून लेंगे। हमारी आलू, गोभी, मटर, टमाटर की मसालेदार ये सब्जी रेडी हो गई। अब इसे ढकने की जरूरत नहीं है, बस खुला थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता और धनिया पत्ता डाल के मिक्स, सब्जी रेडी। और यहाँ हम गैस को बंद कर देंगे। विंटर सीजन में जो मटर आती है ताजी, उसका तो टेस्ट इतनी मिठास होती है और ये गोभी, इसी सीजन की आलू गोभी की सब्जी अच्छी लगती है। इसे मैं ट्रांसफर कर लूंगी इस बोल में। इसको पराठे के साथ आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, लंच या डिनर में बनाए चपाती के साथ, दाल राइस के साथ ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। सुबह लंच बॉक्स के लिए भी तैयारी करनी होती है तो जैसे सब्जी बनानी है सूखी जो कि जल्दी बन जाए, तो ये आलू गोभी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। जैसे पराठे में बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं या हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। सुबह का तो मैं कुछ शूट करती नहीं हूँ पर ज्यादातर मैं ये सब्जी बनाया करती हूँ टिफिन के लिए। आज सुबह ही मैंने बनाया था आलू मटर सूखी, गोभी नहीं डाली थी, ऐसे कुछ भी टिफिन के लिए शुभम को बना देती हूँ मैं। और इसे हम साइड में रख देंगे। अब दाल मैंने बनाई थी लंच में, हम और शुभम ही थे तो दो लोगों में तो 2 कटोरी दाल यूज हुई, बाकी दाल रखी है तो इस दाल को मैं फ्राई बना ले रही हूँ। सुबह मैंने सिर्फ हींग जीरे से तड़का लगाया था। अब कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम करेंगे और गरम तेल में डालेंगे जीरा, ये बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची
प्याज और हरी मिर्ची को भून लेंगे। इसमें हम डालेंगे हींग। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर और टमाटर के साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब इसे मिक्स कर लेंगे, कवर कर लेंगे। टमाटर अच्छा सॉफ्ट हो गया है ये, और इसमें हम डाल देंगे ये तुअर दाल। अभी गाढ़ी है ना काफी, थोड़ा सा पानी डालेंगे। और ये दाल बॉईल हो चुकी है, दाल में हमने डाला धनिया पत्ता और मिक्स कर दिया। और दाल में इस बॉल में निकाल लूंगी। और ये राइस जो दिन में बनाया था रखा हुआ है, तो इसे गरम कर लेंगे हम खाने के टाइम पर। तो बस अब ये तैयारी हो गई है, अब मैं फुलके सेक लूंगी। और गाजर का हलवा, इसकी रेसिपी तो मैं पहले ही चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, वैसा ही बना हुआ है। जब खाएंगे ना तब गरम करूंगी। लास्ट बाउल में सब ट्रांसफर किया ना, तो जब खाना खाएंगे गरम करना है तो उसको ही माइक्रोवेव सेफ है वो बाउल, तो उसमें गरम कर लेंगे। अब मैं फुलके सेक रही हूँ। चलो रसोई तो पूरी हो गई और किचन क्लीनिंग भी हो गई। और जो दूध का बर्तन ठंडा हो गया वो भी फ्रिज में पहुंचा दिया, जो घी वाला बर्तन है वो भी फ्रिज में पहुंचा दिया। बस अब खाना रेडी है, जब गुप्ता जी ड्यूटी से आएंगे तब फिर मैं थाली परोस दूंगी। यही हमारा हाल है। मुझे लगा करता है टाइम से खाना बन जाए, फिर भले ही खाने वाले टाइम से आए या ना आए, ना आए उनकी राह देखना आसान है। और आ गए और खाना नहीं बना तो मन में चिंता होती है ना कि सुबह के निकले हैं, खाना तो टाइम से रहे, यही सब रहता है घर गृहस्थी। सेवन फोर्टी हो रहे हैं, बैठूंगी मैं थोड़ी देर। हवा अच्छी चल रही है बाहर में। और अभी मैंने खाना गरम किया, क्योंकि 8:30 बज रहे हैं और गुप्ता जी का फोन आया कि वो 9:30 बजे तक आएंगे, तो इतनी देर में शुभम के लिए कभी रोकती नहीं हूँ उसको, तो शुभम की ताली लगा रही हूँ। जब वो आएंगे 9:30 बजे तो हम दोनों खाना खा लेंगे। और ऐसा ही हमेशा होता है, क्योंकि अब उनके पापा की ड्यूटी के हाल बिल्कुल अलग हो गए हैं। वो जाएंगे कब और आएंगे कब कुछ भी फिक्स नहीं है। मैंने सारा खाना गरम कर लिया और इसीलिए इन बर्तनों में रखती हूँ कि अब जब वो आएंगे तो उनके लिए भी खाना आराम से एक बार में गरम कर लूंगी मैं। और राइस भी गरम कर लिया है, तो दाल तड़का है, गोभी मटर की सब्जी और ये गर्मा गर्म गाजर का हलवा। एक बार गरम कर लो ना तो बहुत ही बढ़िया पूरा। मैं वैसे मैं फ्रिज में रखती हूँ, जितना जिसे मैं जो अभी गरम करना है उतना मैं निकाल के बाहर रख लेती हूँ, फिर गरम करते हैं हम लोग। फिर वो एकदम ऐसा बन जाता है ना, घी पूरा बाहर आ जाता है, लगता है जैसे आज ही बना हो अभी।
हमारी सिंपल डिनर थाली रेडी। और ये देखो हमारी चिरी चिरा इस समय रोज आते हैं, बस विंडो में बैठे रहते हैं, घर के अंदर नहीं आते हैं, बाहर ही बैठते रहते हैं ये लोग विंडो में। सुबह का समय है तो गुप्ता जी नाश्ता करके ड्यूटी जा चुके, मतलब रात में आए थे देर से 10:30-11 बजे, और सुबह इनका जाना भी हो गया। और अब मैं घी बनाऊंगी, तो जो मैंने फ्रिज में रखा था बर्तन वो अब निकालूंगी। हवा अच्छी चल रही है सुबह के समय में, देखो ये जो रखा था रात भर फ्रिज में ये जम गया पूरा घी ऊपर की ओर, तो ऊपर पूरा घी है नीचे पूरा पानी है। इसे हम साइड से इसकी इस तरीके से प्रेस कर देंगे, घी पूरा बाहर आ जाएगा। तो ये पूरा मैं हाथ से निकाल रही हूँ क्योंकि वो हाथ से ही अच्छे से बनेगा। ऊपर ऊपर एकदम बर्फी जैसी होती है ना, उस तरीके से जम गया है घी। पूरा घी निकाल लेंगे और ये पूरा मक्खन निकाल लिया और इसमें सिर्फ पानी है। ऊपर ऊपर जितना घी था ना वो कढ़ाई में निकाल लिया हमने, और बटर को हमने गरम करने रख दिया है और ये पूरा बटर मेल्ट हो गया है। जितना ऊपर ऊपर घी था ना ये, अब इसमें ना व्हाइट पार्टिकल्स नहीं है, वो सारे के सारे पानी में नीचे ठहर जाते हैं, इसलिए इसको पकाने में कम टाइम लगता है और इसमें ब्राउन जो है ना खुरचन वो ज्यादा निकलती नहीं है। इसमें वेस्टेज कुछ भी नहीं है, सारा का सारा घी है। अब इसे अच्छा सा एकदम अच्छा सा पका लेंगे ना, फिर उसमें खुशबू भी आएगी, स्मेल नहीं रहेगी किसी तरह की। बस एकदम से ये गाढ़ा गाढ़ा सा हो रहा है, फिर ये घी तुरंत ही पक जाता है। अब ये पूरा घी रेडी हो गया है, बस हल्का सा इसको और पकाएंगे ताकि ये जो है ना वाइट वाइट सा ये पार्टिकल्स ब्राउन हो जाए, जिससे कि कच्चापन नहीं रहे। और ये देखिए घी तुरंत तैयार हो गया, और सबसे अच्छी बात है इसमें वेस्टेज नहीं है, तो इसलिए इसको पकाने में टाइम कम लगता है। अब हम इंडक्शन ऑफ कर देंगे, अब घी को छान लेंगे हम इस बर्तन में। ये सारा घी मैं इसमें छान ले रही हूँ, और ये इतना घी रेडी हो गया है। और इस कढ़ाई में ये देखिए ये जो ब्राउन पार्ट है ये इतना है, 1 चम्मच केवल वेस्टेज, क्योंकि बाकी सारा व्हाइट व्हाइट उस पॉट में नीचे रह जाता है। और घी हमने इस बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है क्योंकि मैं इसमें घी स्टोर करती हूँ, और इसे हम इसी समय क्लीन कर लेंगे, इसको साफ करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। बस आज का वीडियो यहीं खत्म करना चाहती हूँ मैं। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।